दर दर भटक रहे छुट्टा जानवरों के रहने खाने के लिए ग्राम सभा तिलखी बढ़िया में गौशाला का निर्माण होना था, लेकिन कार्यदायी संस्था के द्वारा गौशाला का बिना छत या टीन शेड लगवाए आधा अधूरा निर्माण कार्य कर फरार हो गए और ये मामला प्रकाश में आया। एक तरफ जहां सरकार किसानों की फसलों को जानवरों से बचाने के लिए गौशाला का निर्माण करवा रही है, वहीं अधिकारियों के संवेदनशील न होने के कारण ग्राम सभा तिलखी बढ़िया की गौशाला अधूरी पड़ी है। ऐसी स्थिति में किसानों को इस तपती धूप में दिन रात जागकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। किसान शिव सागर कहते हैं कि पिछले वर्ष गौशाला का निर्माण शुरू होने से बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन अभी तक बनकर तैयार न होने से सारी खुशी काफूर हो गई। आधा अधूरा काम सरकार की कमियों का बखान कर रहा है। छुट्टी गाय बेलगाम घूमकर खेतों में लगी फसलों को चर रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। हर राह से छटक के आवत ही बाउंड्री घेरा है, अब चरत ही नुकसान करत ही भाई। ओकर व्यवस्था की जाए, दवाली ओकर मरावा जाए ऊँच से, कि ऊँच हो जाए कि तो तार घेरावा जाए। हाँ तो गौशाला बनने से कोई फायदा नहीं है? अब फायदा भाई है, नुकसान होता है भाई। वहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है? अब जिम्मेदार आवत हैं, रहत हैं, जय घड़ी रहत हैं, अपन चला जाते हैं तब गाय इधर उधर हो जाती है। हाँ तो कितना आपका नुकसान हो गया गन्ने का? अब 2 बीघा गन्ना तो चरे हैं। मार उतरोला से मोहम्मद वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।